मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और कल हमने प्लान बनाया है, आज अभी बस उठे ही थे कुछ देर पहले, अभी बस नाश्ता वगैरह करेंगे, मैं तैयार वगैरह हो जाऊँ, फिर उसके बाद हमने जो प्लान बनाया है बालूगढ़ वाटरफॉल जाने का मुक्तेश्वर पे। मुक्तेश्वर से जस्ट थोड़ा सा पहले है, हम वहाँ जाएंगे और थोड़ी मस्ती करेंगे। आज संडे है तो कुछ फन करने का, थोड़ा मस्ती करने का थोड़ा हमारा प्लान था। और सॉरी दोस्तों, हमेशा से एक ही जैसा एंगल में दिखाता हूँ अपने कमरे पे मैक्सिमम टाइम में, लेकिन थोड़ा आजकल मैं कमरे का जो डेकोरेशन है थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आजकल मैंने जो एक ये लिया है, लाइट लिए मैंने, आप लोग बताइएगा कि ये लाइट कैसी लग रही है। ये देखिए लाइट लिया है मैंने इसको, तो आप लोग बताइएगा ये लाइट कैसी लग रही है। और धीरे धीरे मतलब मैं कमरा वगैरह ठीक करने, एक यूट्यूब सेपरेट कमरा बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग को कैसा लग रहा है सब आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कमेंट के थ्रू, ठीक है। तो चलो मैं तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद आप लोग को मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं हो चुका हूँ रेडी अभी जाने के लिए, और आज मैं जो स्पेशली अपने साथ ले जा रहा हूँ, कैमरा बैग तो मैं ऑल टाइम ले जाता ही हूँ, जो लाइट स्टैंड है उसको भी ले जा रहा हूँ, ताकि कुछ फ़ोटो वगैरह खींचनी हो मुझे तो जंगल में है बिल्कुल जो वाटरफॉल है, तो आसपास शायद कोई मिले या हो सकता है ना भी मिले तो मैं इस पर मतलब अपना जो DSLR है उसको लगा के फ़ोटो वगैरह क्लिक कर पाऊँ, तो इसको भी ले जा रहा हूँ साथ में अपने। तो चलो चलते आगे, चलो सर इसका इंतजार है आपको, चलो। अच्छा मेरा वेट करते हुए थक गए, 100 साल हो गए मुझे वेट करते। 100 साल हो गए, बाप रे बढ़िया हो गई यार। अरे यार व्हील कैप भी तो लगाना है गाड़ी के, ये रहा व्हील कैप। एक्चुअल में 2 दिन पहले मेरी गाड़ी का जो पंचर हो गया था ना, अगला और पिछला दोनों टायर एक साथ पंचर हो गया था। ये जो है पंचर बड़ा भयंकर पंचर है, पिछले बार जब मैं ऑफ रोडिंग के लिए गया था तो उसमें मैं लगा था, और यही पंचर दोबारा से हो गया। तो जिस भी भाई ने अगर मेरे को बोल रखा था कि आपको ऑफ रोडिंग टायर लगा लेना चाहिए, वो टायर बिल्कुल लगा लेना चाहिए अगर आप लोग ऑफ रोडिंग चाहते हो कहीं भी, तो बिल्कुल थम्स अप है उसके लिए, बहुत सही बात बोली थी। और स्पेशल गेस्ट भी है आज हमारा डॉगी दूसरा केम नहीं वॉम्पी, तो उसको भी आज हम ले चलेंगे वाटरफॉल पर। तो दोस्तों अभी हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने आप लोग को जो स्पेशल गेस्ट बताया था ना, वो पीछे बैठी हुई है, देखो पॉम्पे, वो देखो पूंछ हिलाने लगे पॉम्पे, वो देखो पॉम्पे बोल दे, पीछे पूंछ से ढोल बजाने लग गए वो। तो चलो चलते हैं फिर, चलो मुक्तेश्वर की ओर। तो चलो चले पॉम्पे। पॉम्पी को तो पता नहीं है कि हम उसे कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन हम बहुत एक्साइटेड है कि पॉम्पी को हम आज पहली बार घर से बाहर इतने दूर वाटरफॉल पे ले जा रहे हैं, उसका रिएक्शन देखना है, क्योंकि पॉम्पी पानी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हमेशा पानी के साथ खेलती है, तो उसका रिएक्शन देखना बहुत ज़्यादा अनोखा रहेगा आज के दिन। जितने बार मतलब मुक्तेश्वर निकल रहे ना, मुझे हमेशा ऐसे फॉग वाला सीन आ जा रहा है। आज भी देखो फॉग, मतलब सोचा नहीं था हमने कि फॉग वगैरह ऐसा दिखने को मिलेगा, आज भी फॉग लगी हुई है, लग रहा है आज भी मस्त मतलब ड्रोन शॉट आने वाले हैं। पॉम्पी भी खुश हो रही है पीछे देखो ऐसे कर दिया। क्या सुन रही है दोस्तों? अभी भीमताल में पहुंचे थे और यहाँ पे पॉम्पी के कारण रुकना पड़ गया, उल्टी टाइप उसे बस लार लार टपका रही थी तो हम रुक गए थोड़ा, यहाँ पे उसने पॉल्टी उल्टी करी तो परेशान करी थी थोड़ा, थोड़ी थी परेशान और खुद वो भी। अब चलते हैं उसको पॉल्टी कराने के बाद आगे के। तो
रामगढ़ पहुंच गए और रामगढ़ से अभी जस्ट निकले आगे की ओर। यहाँ से बस हम पहुंचने वाले हैं उस जगह पे जहाँ से हमें कटना पड़ेगा ये वाटरफॉल के लिए। अलग रास्ता ऐसा है, पिछले बार जब भी हम आते थे तो दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता था, तो रुक के एक बार देखना पड़ेगा कि यार एग्जैक्टली जाना कहाँ है हमें। तो हम पहुंच गए अभी सतभुंगा। ऊपर पे सब सेव ही सेव लगे हुए, सेव के पेड़ है, सेव कहाँ है? सेव भी लगे हुए, अभी पीछे वाले में थे, अभी इस वाले में नहीं। यहाँ से नहीं है रास्ता। फिर यहाँ मैप तो यही दिखा रहा था। मैप में जो दिखा रहा है ना, जीपीएस के अकॉर्डिंग मतलब हम यहीं पहुंचे थे। ये इससे पहले कुछ कैफे था, क्या था पहला कैफे था, उससे बस अभी हम 1 किलोमीटर आगे आए हैं, यहाँ से भी 4 किलोमीटर और आगे है। तो जो अब मैंने आपको बताया था कि पहला कैफे है, पहला कैफे से 1 किलोमीटर आगे हम आए, वहाँ दिखा रहा था कि नीचे जाना है, राइट हैंड साइड दिखा रहा था ना, राइट हैंड साइड में, फिर आपको लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा रहा था पहला कैफे से थोड़ा आगे पे बालूगढ़ जो वाटरफॉल है लेफ्ट कट हो गया। लेकिन यहाँ भैया से पूछा तो कह रहे हैं यहाँ से 4 किलोमीटर आगे आपको जाना पड़ेगा, 4 किलोमीटर आगे जाओगे फिर उसके बाद जाके आपको राइट कटना पड़ेगा, फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद फिर लिखा हुआ आएगा। अंदर भी काफी चलना है, चलो देखिए कितना आगे। चलो आपको दिखाता हूँ रास्ता। चार किलोमीटर जंगल है ना, जंगल से भी आगे, जंगल से आगे बताया भाई ने, तो जंगल अभी ये सामने है, ये जंगल जैसे खत्म होगा तो राइट कटना उसने बताया। मौसम कुछ ज़्यादा ख़राब होने वाली है लग रहा है, ऊपर में बिल्कुल काले बादल हो रहे हैं, पता चल रहा है हम जब जा रहे हैं जो पैदल ट्रैक है वहाँ पे तेज़ बारिश ना हो जाए, बस उम्मीद करता हूँ सब सही रहेगा। तो ये हम पहुँचने वाले हैं जहाँ भाई ने बताया था कि जंगल ख़त्म होगा, ये जंगल ख़त्म हो रहा है। हाँ तो ये वाला, चलो पता चल गया बालूगढ़ के लिए ये वाली है। 3 रोड कट रही होगी, एक सबसे ऊपर पे है, एक ये मुक्तेश्वर जा रही है, बीच वाली रोड आप पकड़ लेना, ये आपको सीधे ले जाएगी बालूगढ़ वाटरफॉल के लिए। तो जो बालूगढ़ वाटरफॉल का जो जो मैंने बताया था, जैसे जंगल ख़त्म होता है ये 3 रास्ते पड़ेंगे, बीच वाला रास्ता पकड़ना, और वहाँ पे अगर आपको लिखा हुआ दिखाई नहीं भी दे सकता क्योंकि जो बोर्ड बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं ना वहाँ पे, तो एक बोर्ड से छिपा हुआ था बालूगढ़ जो वाटरफॉल लिखा था, 6 किलोमीटर लिखा था उसके लास्ट में, नीचे देख लेता मैंने। तो चलो अब रास्ता देख लो, आप लोग को भी आने में आसानी होगी यहाँ से, क्योंकि हर बार मैं भी भूल जाता था कि यार ये रास्ता कहाँ जाता है, कौन सा रास्ता है जो वाटरफॉल के लिए जाता है। तो फाइनल दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक पे, पीछे पे जो सामने पे आपको गेट दिखाई दे रहा था वहाँ पे है, लेकिन अभी ना बहुत भयंकर लाभ ने कट चुका है। यहाँ से जो अभी हम आए ऊपर के रास्ते से, ठीक है, आपको जो सामने से ऊपर वाला जो मुक्तेश्वर रोड है अगर वहाँ से अगर आप आते हो तो काफ़ी लंबा रास्ता था, अभी हल्द्वानी से लगभग 100 किलोमीटर करीब हम जा चुके हैं। तो उसके बाद का जो सीन है ये देख लीजिए, यहाँ से आने के बाद हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद जो ये रोड जा रही है भीमताल की, बोले 24 किलोमीटर, मेरे भाई 24 किलोमीटर सुन के तो हालत ख़राब हो गई मेरे, मैंने बोला इतना लंबा चल दिया हमने खाली बेफालतू में। अगर यहाँ से आते हैं भीमताल के थ्रू तो बहुत कम डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, दारी यहाँ से बस थोड़े से दूर है, उसके बाद भीमताल 24 किलोमीटर केवल। तो आप लोग को अगर हल्द्वानी से आना है तो ये वाला रास्ता बहुत ज़्यादा सटीक पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कम, जिसमें आप जल्दी पहुँचोगे। तो अभी हम चलते हैं, अच्छा वम्पी चलो भैया चलो लेट्स गो। तो पीछे पे अभी टिकट काट लिया है, पर परसेंट 50 रुपये हो गए आज को, पहले 20 रुपये थे अब 50 रुपये हो गए। तो ओहो माइक लगाना भूल गया, कोई बात नहीं आप माइक लगा लेता हूँ। तो दोस्तों अभी जो पीछे पे जहाँ से अभी हम निकले वहाँ एंट्री होती थी, और वहाँ एंट्री का जो फीस है अभी यहाँ पे फ़िलहाल जो चल रहा है 50 रुपये पर पर्सन है, कुछ साल पहले तक यहाँ 20 रुपये लेते थे,
और उससे पहले तो बिल्कुल फ्री थी। तो गांव वालों ने लगाई है साफ सफाई और बाकी चीज़ों का ध्यान देते हुए। और ट्रैक थोड़ा सा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं कहूँगा मैं, और जगह जगह पर ऐसे निशान आपको मिलते रहेंगे। कुछ ज़्यादा ही तेज दौड़ी है वम्पी यार, ये वम्पी पागल हो ही जा रही है, भयंकर खुश हो रही है वम्पी। घर पे भी पानी से बहुत ज़्यादा खेलती है वो, और ये बाप रे यहाँ पे बिल्कुल पानी की आवाज़ आ रही है शायद। देखो इसका हालत दिखा दो, देखो क्या क्या कर लिया मेरे से नहीं होता भाई, मेरी हो गई हालत खराब भाई, मुझसे नहीं होता वो ये सब ब्लॉगिंग और ये सब कुत्ते बचाना। देखो कैसे खींच कर जाती है, क्योंकि मैं पीछे हूँ इसलिए वो आराम से चलती है। पहले वम्पी के लिए क्या कहते भैया, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? प्रॉब्लम किसी को काटेगी तो नहीं, आपसे किसी को नहीं करता। पागल हो रही ना पानी में, चलो चलो आंटी चलो। अभी पीछे पे जो सेटअप दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मेरे को, पीछे पे वाटरफॉल है और आप लोग बढ़िया टाइम पास कर सकते हो यहाँ बैठ के। अरे वम्पी क्यों पागल हुए जा रही, वम्पी ने बिल्कुल परेशान कर रखा है, पानी मिल गया और पागल हो गई ये लड़की। देखो वो देखो पानी की तरफ जा रही है वो हर बार, अब देखो पीछे पीछे भग गए वो। तो काफ़ी बढ़िया रूट बना रखा है, ऐसा लग नहीं रहा था मेरे को कि इससे पहले मैं आया हूँ, क्योंकि यहाँ का जो हर चीज़ चेंज हो चुका है। इससे पहले आप अगर आप आते तो देखते ना ऐसे पत्थर वाले रास्ते थे, और अभी कुछ टाइम के बाद अगर आप आओगे ये वाले पत्थर के रोड जो है पगडंडी वो और भी ज़्यादा बेटर दिखेगी आपको। और पीछे पर जो पुल है वो पुल भी बन रहा है, और ज़्यादा सेक्सी फील आएगा यहाँ पर। वो देखो वो गई गई पानी में गई वहाँ पे कैच। आ जाएगी आ जाएगी, कौन कौन वहाँ पे कौन, देखो भक्के गई भक्के गई भक्के गई भक्के गई। वाटरफॉल 50 मीटर आगे, चलो भाई फाइनली पहुंचे। तो देखो मम्पी की फ्रेंड बुला रही है मम्पी को, गोल्डन रिट्रीवर प्यारा सा। ओ पुल, चलो भाई फाइनली पहुंच गए हम बालूगढ़ वाटरफॉल, सब चिल्लाने की आवाज़ आ रही है सबकी।
बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली यहाँ पे। सबसे ज़्यादा मस्ती लेकिन इसने की है, ये हमारी गुंडी ने। गुंडी चले मस्ती की, दे मेरा। लेट्स गो गुंडी बच्ची। कपड़े भी मैं तो चेंज करूँगा, वो आगे ही करूँगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगी है, फटाफट चेंज करना है और गाड़ी तक फटाफट पहुँचना है। चलो चलते हैं, मस्ती कर लिया हमने। फिर कभी आएंगे जाते हैं। तो दोस्तों अभी भैया मिले मुझे यहाँ पे और इन्होंने बताया अभी कि यह पास पे एक जगह भी है धक्कू टॉप करके, तो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, मतलब व्यू बहुत ज़्यादा तगड़ा है। कभी कोशिश करूँगा मैं वहाँ जाने की। भैया आपने बताया था धक्कू टॉप के बारे में, एक बता दीजिए। ये धक्कू टॉप मेरे ख्याल से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाइट वाली जगह है। तो यहाँ की हाइट है आपका 2300 मीटर से अबव है, तो यहाँ से पूरा हिमालय रेंज दिखता है और हमारा जो प्लेन का एरिया है हल्द्वानी रुद्रपुर वो पूरा कवर होता है। तो भैया आप लोग भी मतलब क्या वहाँ पे ये कैंपिंग वगैरह करवाते हैं? रात को वहाँ कैंपिंग करवाते हैं। अच्छा। हमारा वैसे भी रिजॉर्ट का और कैंपिंग का काम है, तो हम वो दोनों चीजें हम वहाँ पे भी करवाते हैं। ट्रैकिंग भी है उसमें 3 या 4 किलोमीटर के लगभग। आप अपना नंबर बता दोगे? बिल्कुल, ताकि मैं डाल दूंगा। और आपसे मतलब जिसको भी जाना हो कॉन्टेक्ट कर लेना भाई से। आप अपना नंबर बता दीजिए। बिल्कुल, 7409367202 जी। आपको शुभ नाम? कृष्णा बिस्टुभा मेरा नाम जी। तो भैया से आप लोग कांटेक्ट कर लेना, कृष्णा भैया है। थकुर टॉप एक्चुअली प्रोनाउंस करने में मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो थकुर टॉप अगर आपको जाना हो, बहुत ही प्यारे अभी भैया ने दिखाई मेरे को एक दो फोटो वगैरह, मैं हो सके तो मैं इसमें डालने की कोशिश करूँगा और मैं सर्च भी करूँगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को मिलता हूँ आगे पे गाड़ी में पहुँचने के बाद। तो गाड़ी पे तो लगभग हम पहुंच ही गए रोड पे। ये रहा बालूगढ़ जलप्रपात। जलप्रपात मतलब आपका वाटरफॉल, हिंदी में जलप्रपात बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में। ठीक है, तो जलप्रपात हो गया और सामने पे हमने गाड़ी लगा रखी है, वो आगे पे रही हमारी गाड़ी। और यहाँ पे अभी छोटी सी दुकान है, तो अभी हम यहाँ खा लेंगे मैगी या चाय कॉफ़ी खा लेंगे, उसके बाद जाके हम निकलेंगे। यहाँ पर सर खाने पीने खाद्य सामग्री भी अवेलेबल है आपको, पहाड़ी फूड मिलेगा, ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, जैसे रासायनिक चीज़ से उत्पत्ति चीज़ निगरी जैविक चीज़, जैविक चीज़ों से ही बनता है। यहाँ का आलू रहता है स्पेशल है, राजमा चावल स्पेशलिटी है यहाँ की। नॉर्थ ईस्ट डिश अच्छा लगा, हिल स्टेशन है, वाटरफॉल की हमसे मशहूर होने को जा रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, भैया अभी बता ही जा रहे हैं कि बहुत सारे डिशेज वगैरह हैं यहाँ पे, तो आप लोग भी आइए यहाँ पे और मजे कीजिए यहाँ के लोकल ऑर्गेनिक फूड का। चलो फिर। तो दोस्तों अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया कि पीछे वाला जो रास्ता जहाँ से हम मुक्तेश्वर वाला जो रास्ता था ना, जहाँ से हम सुबह आए थे, उस रास्ते से हम नहीं जा रहे अभी। यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, वो मुझे अभी मालूम चला है कि यहाँ से इतना नज़दीक है यार हल्द्वानी और ये इस बालूगढ़ जो वाटरफॉल है बहुत ज़्यादा नज़दीक है यहाँ से, तो उस वाले रास्ते से जा रहे हैं और देखेंगे अभी कि कितना ज़्यादा नज़दीक है। मैं आप लोग को भीमताल में पहुँचने के बाद एक बार दिखाऊंगा कि मैं कितने किलोमीटर चलाऊं करके। अभी राइट नाउ जो हम चले हैं 2778 किलोमीटर चले हैं, तो यहाँ से जो वाटरफॉल से अभी बस हम थोड़ा सा आगे निकले हैं, यहाँ से कितना किलोमीटर है भीमताल, उससे हमें जज करने में आसानी होगी कि हम कितना ज़्यादा सुबह मॉर्निंग में चले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अभी। तो गाड़ी धोने के लिए मस्त जगह है, बिल्कुल रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है कि यहाँ से ना आया जाए, मतलब यहाँ से आया जा सकता है नॉर्मली टाइम। अभी हम जो दारी है मेन दारी पे पहुंच ही गए हैं और रोड बिल्कुल बढ़िया हो गई है, फर्स्ट क्लास, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई है, फर्स्ट क्लास हो गई है रोड। और केवल हम 2 किलोमीटर चले हैं वाटरफॉल से, इतनी बढ़िया सड़क मिल गई है। सुबह मॉर्निंग में जब हम गए थे
तो पीछे के रास्ते घूम के गए थे, काफी लंबा रूट था वो। अभी के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा तो आपको आधे से भी कम है ये जो डिस्टेंस है। अभी पदमपुरी तो बस बगल पे है, यहाँ से हम पहुंच ही गए पदमपुरी। तो भैया अभी हम पदमपुरी से आगे पहुंच चुके हैं और हम भीमताल पहुंच गए। अगर आप लोग, जैसे मैंने आप लोग को बताया हम लोग हल्द्वानी से है ना आज, तो आप लोग भी अगर हल्द्वानी से आ रहे हो तो आप लोगों को मैं कहूँगा कि इस वाले रास्ते से आना, जो ये दारी वाला रास्ता जिस रास्ते से अभी हम वापसी में आए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पड़ा है अभी हमें। अभी अंधेरा होने वाला है, लेकिन अभी 2798 किलोमीटर हमने चला दिए है। पहले कितना था मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लो और रास्ता भी देख लीजिए आप। ये जो मोड़ है ना, खुटानी वाली मोड़, यहाँ से अंदर धारी की तरफ कटने आप। और हम पहले जब मॉर्निंग के टाइम गए थे तो हम सीधे पहले भवाली गए थे, फिर भवाली के बाद हम मुक्तेश्वरली रोड पकड़े थे, तो बहुत ज़्यादा लंबा लगा मुझे। तो ये सब जानकारी आपको दे दी है और इसी के साथ ही मैं ये आज का जो व्लॉग है उसको ख़त्म करता हूँ। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ आप लोग को अगले व्लॉग में। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टाटा, बाय बाय।